उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए के वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पिछले दिनों उज्जैन जिले के बड़नगर से एक आयशर ट्रक चोरी चला गया था, जिसकी तलाश में पुलिस के हाथ एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह आ गया। इस मामले में पुलिस कंट्रोल रूम पर उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक अहमदाबाद और एक हरियाणा का रहने वाला है। आज 3 आयशर ट्रक हम लोगों ने बरामद किया और एक ब्रेजा वाहन, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये शातिर चोर हैं, इनकी एक्सपर्टीज आयशर वाहन को चोरी करने में है। बड़नगर पेटलावाद आइए रतलाम, वहाँ से इन्होंने 3 आयशर वाहन चोरी किए थे अभी कुछ दिनों पहले। तीनों को बरामद कर लिया गया, अभी हम इनका रिमांड ले रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने कई इस तरह की गाड़ियाँ अन्य जिले और अन्य प्रदेशों से भी चोरी की होंगे। ये पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल हैं, पिछले हमने इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इनके अपराध पूर्व से दर्ज। कुल मिलाकर देखा जाए तो उज्जैन पुलिस को चोरी की वारदात में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।